hello everyone so this is the lecture number 6th of marginal costing so we have learned many types of uh, sums which are usually asked in the paper and i have also given you the practice and i hope you all are enjoying this sessions so today we are uh, going to solve one question related to units part which started in the previous lecture a little bit new part is available for today's lecture so ajam kuchnaya podenge unit basis pe hi, अगर हम देखें तो वेरिएबल ओवरहेड्स के थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दिए होते हैं वो देखेंगे तो दिस इज द लेक्चर नंबर सिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर वन द फॉलोइंग इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द सेलिंग प्राइस इज रुपीज हंड्रेड पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट देखो इसमें दिया है मटीरियल थर्टी एट रुपीज लेबर फोर्टीन एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस एट तो वेरिएबल ओवरहेड्स के अंदर हमें तीन पॉइंट्स ध्यान रखने हैं वन इज डायरेक्ट मटेरियल सेकेंड वन इज डायरेक्ट वेजेस एंड द थर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो दिस थ्री पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट तो आपको वेरिएबल के लिए ध्यान रखना है फिक्स ओवरहेड्स में भी हमारे पास दो पॉइंट है फैक्ट्री ओवर एंड ऑफिस ओवरहेड तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें टोटल फिक्स ओवरहेड्स मिल जाएंगे वो भी कर लेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड इज फोर्टी थाउजेंड तो नंबर ऑफ यूनिट्स भी दिया है ट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बी पी रूपीज एंड यूनिट्स एमओ एस बीपी रूपीज इफ फिक्स इंक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट तो सबसे पहले फॉर्मैटिंग आपको लास्ट टाइम भी बताया था और फर्स्ट लेक्चर में भी बोला है कि जो तो हमारा फॉर्मैट है वो काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो वी गेट देंसर एज कॉन्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो वी गेट दी आंसर एज प्रॉफिट यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कितने यूनिट्स का इन्फॉर्मेशन आपके पास दिया है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड फोर्टी थाउजेंड यूनिट का इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है अभी हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे तो फोर्टी थाउजेंड है सेलिंग प्राइस हंड्रेड दिया है तो पहले हम सेलिंग प्राइस लिख देते हैं सेलिंग प्राइस हंड्रेड रुपीज पर यूनिट तो हंड्रेड मैंने पर यूनिट में लिख दिया हंड्रेड को मल्टीप्लाई करना है फोर्टी थाउजेंड से तो हंड्रेड को हमें मल्टीप्लाई करना है फोर्टी थाउजेंड से तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्टी लैक्स देन वेरिएबल ओवर की अगर बात करें तो वेरिएबल ओवर में आप चेक कर सकते हो डायरेक्ट मटीरियल थर्टी एट है लेबर हमारा फोर्टीन है और एक्सपेंसेस हमारे एट है इन सबको अगर ऐड करेंगे तो बन जाएगा सिक्सटी तो ये हमारा टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स हो जाएगा तो इसको सब्सट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे और यूनिट के कॉलम में आई विल बी राइटिंग सिक्सटी अगर हम सिक्सटी को मल्टीप्लाई करें फोर्टी थाउजेंड से तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्स फोर जै ट्वेंटी फोर दैट इज ट्वेंटी फोर लैक्स हंड्रेड में से सिक्सटी माइनस करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा फोर्टी और फोर दिक्सटीन अगर माइनस करोगे तो भी आ जाएगा सिक्सटीन लाख दिस इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन आई होप दिस मच इज क्लियर बिकॉज हमने पहले भी सॉल्व कर लिया है अब आगे बढ़ते हैं फिक्स ओवरहेड्स यू कैन चेक टू लैख एटी थाउजेंड का हमारा फिक्स फैक्ट्री ओवर हेड्स है टू लैख एटी थाउजेंड प्लस ऑफिस ओवर हेड्स है हमारे टू लैक्स ट्वेंटी थाउजेंड तो आपको क्या करना है इन दोनों को हमें ऐड करना है इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा फाइव लैक्स दैट इज योर टोटल दिस इज योर टोटल फिक्स ओवर तो ये हमारा टोटल फिक्स ओवर आ चुका है लेट अस नाउ तो अभी मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है कॉस्ट इज अगर हम फाइव लैक्स को फोर्टी थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो हमें पर यूनिट मिल जाएगा विच विल बी ट्वेल्व सिक्सटीन लैक्स में से फाइव लैक्स को अगर आप माइनस करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा ग्यारह लाख फिर 40 माइनस ट्वेल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 28 दिस फॉर्मेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनटिल यू सॉल्व दिस मच यू कैन नॉट सॉल्व द अदर पॉइंट्स बिकॉज यही फॉर्मेट से हमें पूरा का पूरा हमारे फॉर्मूलाज या सब्सिट्यूशन हम करने वाले हैं ये फॉर्मेट ध्यान में रखें रिपीट अगेन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आता है कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट अगर माइनस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट अगर आपको क्वेश्चन में पर यूनिट दिया है तो पर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो हमको आएगी अमाउंट और अगर अमाउंट दिया होगा तो अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करो तो हमें आएगा पर यूनिट फर्दर आगे बढ़ते हैं अभी क्या क्या चीजें पूछिए है, देखते हैं सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है पी तो पी का फॉर्मूला क्या था हमारा हमेशा अच्छा लिखा है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना मिला था एक बार चेक कर लेते हैं यूनिट्स में ही कर लेंगे आंसर सेम आता है कॉन्ट्रीब्यूशन था फोर्टी और सेलिंग प्राइस था हंड्रेड तो चलो सब्सिट्यूट करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन है फोर्टी सेल्स है हमारा हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड इट्स वेरी इजी फोर्टी परसेंट का हमारा पीवीआर आ चुका पीवीआर इज नेक्स्ट पॉइंट इज आस्क एज बीपी यूनिट्स तो मैंने आपको बताया था बीपी यूनिट्स क्या है फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा फिक्स कॉस्ट कितना था हमने कैलकुलेट कर लिया है फिक्स कॉस्ट इज फाइव लैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कितना है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट था हमारा फोर्टी ये जो ऊपर भी लिखा ही है हमने तो डिवाइड करोगे फाइव लैक्स डिवाइडेड बाई फोर्टी करोगे तो आपको यूनिट्स पे आंसर मिलेगा एंड यूनिट्स विल बी ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो थाउजेंड फाइव हंड्रेड दैट इज बी पी इन यूनिट्स फर्दर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं एम पूछा है एम का कैलकुलेशन करेंगे अभी एम का फार्मूला क्या है एम का फॉर्मूला है इस काफ़ी सिंपल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पी शॉर्टकट का फार्मूला है यही यूज़ करना ताकि आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाए एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है प्रॉफिट हमारा था इलेवन लैक्स विच वी हैव कैलकुलेटेड ऑलरेडी सब्सटीट्यूट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा कितना है प्रॉफिट ग्यारह लाख डिवाइड करेंगे हमारे पीवीआर से पी वी आर है फोर्टी परसेंट ग्यारह लाख को अगर फोर्टी परसेंट से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा ट्वेंटी सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो ट्वेंटी सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड द राइट आंसर फॉर एमओस टेन पॉइंट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है यहां पर पूछ रहा है बीपी रुपीज में इफ फिक्स कॉस्ट इज इंक्रीज बाय ट्वेंटी परसेंट पहले बी पी रुपीज का फॉर्मूला लिखते हैं फिर बाकी का सब कुछ देंगे बी ई पी रुपीज क्या है फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पी वी आर ध्यान से अगर आपको यूनिट्स पूछा तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर आपको यूनि, रुपीज पूछा तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पी वी आर हो जाएगा अभी बोल रहा है कि फिक्स कॉस्ट अगर ट्वेंटी परसेंट से बढ़ेगा तो कितना होगा फाइव लैक्स हमारा फिक्स कॉस्ट पहले से है अभी हमारा फिक्स कॉस्ट ट्वेंटी परसेंट से बढ़ जाएगा डिवाइडेड बाय की कितना है हमारा फोर्टी परसेंट फाइव लैक्स प्लस ट्वेंटी परसेंट कितना होता है दैट विल बी सिक्स लैक्स सिक्स लैक्स को डिवाइड करो फोर्टी परसेंट से तो आपको बी रुपीस पी रुपीज भी आ जाएगा आंसर आएगा रुपीज फिफ्टीन लाख डिवाइड सिक्स लैक्स डिवाइडेड बाय फोर्टी परसेंट गेट आंसर दैट विल री so ईजी सिर्फ आपको पॉइंट से कैलकुलेट करना है जो मैंने आपको फॉर्मैट बताया वो फॉर्मैट ध्यान से यूज करना है और ये चैप्टर आपके लिए नया नहीं है बिकॉज पहले भी आप, आपने पढ़ा था उसी के पॉइंट्स अवेलेबल है फर्दर आगे जाते हैं रिवाइस पी वी आर इफ सेलिंग प्राइस रेड्यूस बाई ट्वेंटी थोड़ा सा कैलकुलेशन अभी करना पड़ेगा हमें रिवाइज पीवीआर पूछ रहा है तो पहले का सेलिंग प्राइस देखते देखो पहले सेलिंग प्राइस कितना था 100 था परसेंट से बढ़ने वाला है इंक्रीज बाय ट्वेंटी करेंगे तो कितना हो जाएगा नया सेलिंग प्राइस वन ट्वेंटी ये आपका न्यू सेलिंग प्राइस आ गया न्यू सेलिंग प्राइस आ चुका है सेलिंग प्राइस में से हम क्या माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट तो जो पुराना है वही लेंगे सिक्सटी न ट्वेंटी माइनस सिक्सटी करेंगे तो सिक्सटी आएगा दिस इज वॉट दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन मिला सिक्सटी अभी पी वी आर का फॉर्मूला यूज करते हैं रिवाइज पी वी आर बोल रहा है तो रिवाइज पी वी आर लिखते हैं फॉर्मूला क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया सिक्सटी डिवाइडेड बाई सेल्स इज वन ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड दैट विल बी सिक्सटी और वन ट्वेंटी मतलब आधा है सीधा फिफ्टी परसेंट आपका रिवाइज पी वी आर आ गया है कैलकुलेशन आई होप कि दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू वेरी इजी क्वेश्चन वेरी सिंपल फॉर्मेट आई हैव टोल्ड यू इफ यू यूज दैट फॉर्मेट इन एनी ऑफ द क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू सॉल्व इन द एग्जामिनेशन तो फर्दर दो क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस है तो क्वेश्चन नंबर टू सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी हमने सॉल्व किया सिर्फ एक पॉइंट नंबर थर्ड जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स पूछा है मैंने आपको कभी भी बताया था पहले भी बताया था कि नंबर ऑफ यूनिट्स जहाँ पे पूछेंगे वहाँ पे हमेशा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ सेवन फिफ्टी मतलब प्रॉफिट दिया है तो जो हम रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला यूज करते थे रिक्वायर्ड सेल्स का क्या था फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर लेकिन अभी पीवीआर यूज नहीं करेंगे अभी यूज करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो ये मैंने यहाँ पे हिंड भी लिख के दिया है इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको इसका भी आंसर आ जाएगा देर इज वन मोर क्वेश्चन इट्स सिंपल दिस इज नॉट सो कैलकुलेटिव कैल्कुलेटिवी कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन आई होप की यू आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन यू आर नॉट ओनली सीइंग दीडियो बिकॉज जो वीडियोस में आपको सिखाया गया है उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि साथ साथ आपके भी प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपका फॉर्मूला रिवाइज हो सके हर दिन का काम हर दिन ही करना अगर आप पेंडिंग पेंडिंग रखोगे तो बहुत सारी चीजें पेंडिंग रह जाएगी एंड दैट विल बी क्रिएटिंग अ मेस ड्यूरिंग द एग्जाम की किस तरीके से क्या क्या पड़े ये वीडियोस तो आपके पास अवेलेबल होने ही वाले हैं रिकॉर्डिंग इसका अवेलेबल होने ही वाला है कोई भी डाउट्स आए तो आप उस वीडियो में देख सकते जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आप साइड में वीडियो का लेक्चर uh, का नाम नंबर भी लिख सकते हो लेक्चर थर्ड लेक्चर फोर्थ ताकि जब आप रिवाइज करो तब तो आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस ना हो थैंक यू वेरी मच फॉम दिस वीडियो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बाय बाय ऑल ऑफ यू टेक केयर